نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك रबी दीदिनम आमी आमीन अल्लाम आलैक्म वरमि वबरक सुबहाना व ताली की तोफ़ी और अल्लाह ताली की रहमत के साथ हम अपने लेसन सूरत अलबरा की आयत नंबर वन वन एक सौ एक का आगाज़ करने जा रहे हैं अल्हदल्ला इस नीयत के साथ कि अल्लाह सुफ़ान वाली इसे हमारे लिए पढ़ना इस पर अमल करना और अमल के साथ ही इसे दूसरों तक पहुँचाना आसान कर दें आमीन और कितनी खुशी होती है अलहमदल एक के हम एक करके अल्लाह सुखाना वा ताली के कलाम को समझने की कोशिश कर रहे हैं और अब तक हम जो हैं अभी तक एक सौ एक आयात को अलहमदल गौरव फ़िक्र के साथ पढ़ते हुए यहाँ तक आ गए हैं और अगर हम सूरत अलकर की भी इसमें जो हैं सेवन आयात को लें तो माशाल्लाह जो हैं एक सौ सात आयात हम बढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने इनमें से क्या सीखा इंशाल्लाह जैसे जैसे रकू मुकम्मल होता जाएगा या इस रकू के बाद थोड़ा सा पीछे से जायज़ा भी लेंगे या इंशाल्लाह हमारा जैसे ही ये जुज़ मुकम्मल होता है दैन इंशाल्लाह पीछे से हम थोड़ा सा तजकिया करेंगे तब तक के लिए देखते हैं कि हमने अभी अपने लेसन में पीछे क्या पढ़ा जो कि आयत नंबर वन हंड्रेड में हमने पढ़ा था ताकि आज के सबक को समझना आसान हो पिछले सबक के साथ साथ पिछली आयत में हमने देखा था कि वहाँ पर बहुत गहरी बात हुई थी कि जब कभी कोई एहद लिया गया यानी कि और जब कभी उन्होंने कोई एहद किया तो इसमें क्या की कि उसमें ने की. से एक गिरने इसको फेंक दिया यानी कि वादा हिलाफी की बल्कि इनमें से अक्सर ईमान नहीं रखते ये वादा हिलाफी उन्होंने क्यों की इसकी वजह क्या थी या किताब के साथ उनके जो माहदे थे वो क्यों नहीं पूरे कर सके उसकी वजह क्या थी वो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं आज हम देखेंगे कि आयत नंबर 101 में अल्लाह सुफाना वा क्या फरमा रहे हैं और एक और बात जो हमने पीछे देखी थी कि किताब के माहदे को पूरा हम कैसे करें उस पर भी बात हुई थी कि क्यों माहे टूटते हैं और फिर कौन सी ऐसी वजह होती है कि जिसकी वजह से इंसान के लिए अल्लाह तला के कलाम से जुड़ना मुश्किल होता है आज के इस लेसन में सबसे पहले हम आयत को देख लेते हैं फिर उसके बाद तर्जुमा देखेंगे और तर्जुमे के बाद इन शहतर तजिया और तफसीर पर बात करेंगे और जायज़ा लेंगे कि इस आयत में हमारे लिएबहाना तालफ़ से कौन से अहकाम थे और हैं अलहदिल्ल तो आयत को देख लीजिएम बिसमिल्ला مصدق لما معهم نبد فريق من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ترجمة ديك لين अल्लाह सुबहाना व फरमा रहे हैं और जब इनके पास अल्लाह की तरफ से एक रसूल इसकी तस्दीक करने वाला आया जो इनके पास है तो इन लोगों में से एक ग्रोह ने जिन्हें किताब दी गई थी अल्लाह की किताब को अपनी पीठों के पीछे फेंक दिया जैसे वो जानते ही नहीं देखें बड़ी गहरी बात हो रही है कैसा क्यों किया इन्होंने और जब इनके पास अल्लाह ताला की तरफ़ से कोई रसूल आया जो इस चीज़ की तस्दीक करने वाला है जो इनके पास है यानी कि जो इनके पास की किताबें हैं उसकी तस्दीक करने वाला आया है, तो इनका अमल क्या था यहाँ पे वज़ाहत देखें कि अल्लाह ताला ने वाजह फ़रमाया है कि पहली किताबों के बाद जब नबी सल्ला वसल्लम हक़ के साथ किताब लेकर आए जो इनकी किताब की तस्दीक भी करता है और इनका ये दावा भी है कि हम अपनी किताब पर अमल करते हैं तो उन्होंने इसे क्या किया पसे पुष्ट डाल दिया इग्नोर कर दिया नहीं जी हमारे पास हमारी ही किताबें मौजूद हैं हम तो क़ुरान को नहीं मानने वाले यहाँ पर उनका क्या है पसे पुष्ट करने की बात है फिर क्या अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तो इन लोगों में से एक ग्रोह ने जिन्हें किताब दी गई थी अल्लाह ताला की किताब को अपनी पुश्तों के पीछे फेंक दिया अपनी पीठों के पीछे फेंक दिया गोया के वो जानते ही नहीं यानी कि बनी इसराइल की किताबों में नबी की बिशारत मौजूद थी वो आप व अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाकर दरअसल अपनी किताब के हुक्म को छोड़ रहे थे और बेरगबती के साथ इसे दूर फेंक रहे हैं गोया कि वो जानते ही नहीं कि में तो रात में व सल्ला वसल्लम की तस्दीक और एतबा के बारे में कुछ आया है यानी इतने उनकी किताबों में यानी कि तौरात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में निशानियां मौजूद थीं इसके बावजूद के वो गौर फिक्र करें इसके बावजूद के वो क़ुरान पर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं उन्होंने इस कदर इस चीज़ को इग्नोर कर दिया कि बल्कि अपनी पीठों के पीछे फेंक दिया कि नहीं हम ईमान लाएंगे ही नहीं इसकी कुछ जो हैं यहाँ पर तजकिया देखेंगे कि देखें कि जिसके हाथ में कुरान की किताब आ जाए और फिर छूट जाए तो फिर ये तबाही है इसको मजबूती से पकड़ना क्या है कि हमें इस पर अमल करना है जिस तरह ज़्यादा रोशनी से कम रोशनी में आए तो एकदम कुछ नज़र नहीं आता इसीलिए ज़्यादातर जो होता है गलत काम अंधेरे में होते हैं ताकि जो मर्जी करें लोग गंदे काम कम रोशनी या अंधेरे में करते हैं अब क्या होता है कि जो लोग किताब छोड़कर मजबूरी का कहकर चले गए या डिप्रेशन और कई दूसरे मसाइल में फंस गए और जो किताब को छोड़ता है ना तो वो ऐसे होता है कि जैसे कभी पढ़ा ही नहीं उसके दिल से दिमाग से ये क़ुरान का इल्म ये रोशनी आहिस्ता 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 दूर चली जाती है आज अगर हम इस सफ़र के साथ जुड़े हैं ना तो इसको गनीमत जाने मैं भी और आप भी को किसी भी कोर्स का ज़िंदगी में हिस्सा बनकर ज़रूर रहें कभी ना छोड़ें कुरान के सफ़र को कभी ना छोड़ें कहीं ना कहीं ख़ुद को जोड़े रखें खुद भी पढ़ें गौर वफ़िक्र भी करें और जो गौरव फ़िक्र के साथ आपके लिए समझना आसान हो वो अपने घर से शुरू करें कि अपने घर में तजकिया के साथ जो हैं घर वालों को बताना शुरू करें आज मुसलमानों ने बरकत औरवाब वाली किताब पकड़ ली खसूल फैज़ लेते हैं लेकिन हदायत नहीं लेते राहदारी वाली किताब बना दिया सर पर रखने वाली जब रुसुती हो तो बस सारी बरकतें बस सर पे से गुजार दो तो बरकतें हो जाएंगी सारे के सारे काम शादियों में हमारी शरीयत के ख़िलाफ़ किए जाते हैं और रुखसती के वक़्त किताब सर पे रख दी जाती है किससे बरकत मिलेगी यह अमल किन लोगों का है अगर आप में से कोई पाको हिंद के बारे में कुछ हिस्ट्री के बारे में जानता है तो देखें कि ये रस्में हमने कहाँ से ली हैं हम क्या करते हैं क़ुरान पर अमल नहीं करते इसकी आयात लिख कर लगा लेते हैं घरों में लेकिन समझते नहीं है कि इस पर लिखा हुआ क्या है तवीज बनाकर पहन लेते हैं लेकिन हमें यह नहीं पता कि क्या ये तावीज़ भी हमारे लिए जायज़ है कि नहीं है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है चीजें क्या है हम कर करके रहे हैं इस कुरान के साथ ज़ाहरी तजीम अच्छी बात है क़ुरान की कदर करें इज्जत दें लेकिन इस पर अमल करना जरूरी है हमने कुरान को पीछे कैसे डाला हो अब थोड़ा सा हम देखते हैं हमारी जो अवलिन जो पहले नंबर पर हमारी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि नहीं हम क्या करते हैं कि नहीं बाद में पढ़ लेंगे सुबह उठते ही बाद में पढ़ लेंगे कोई कहता है कि अभी उम्र क्या है हम पूछते हैं ना कि आपकी उम्र क्या है ठीक है तो क्या होता है कि नहीं अभी उम्र के मैं इस हिस्से में हूँ कोई बात नहीं अभी तो इतनी उम्र पड़ी हुई है पढ़ लेंगे और इस किताब के साथ अक्सर क्या होता है कि हमारे ख़ानदानों में अल्लाह सुखान वा सब के बच्चों को सेहत व आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता करे और ईमान वाली ज़िंदगी अता करे लेकिन हमारी फैमिलियों में देख लें हमारे इर्द गिर्द कहीं देख लें कोई ऐसे लोग मौजूद हैं किसी का अगर बच्चा आंखों से महरूम है तो हम कहेंगे कि इसको हाफ कुरान बना दो कोई वैसे मजूर है बोलेंगे इसको हाफिज़ कुरान बना दो पूरा पूरा कुरान जो है उसको पढ़ा दो ठीक है कि हमारा बच्चा हाफिज है और जो सेहतमंद हमारा बच्चा होगा ना हम कहेंगे कि इसे दुनियादारी की किसी अच्छे कॉलेज में डालो अच्छे स्कूल में डालो अच्छी यूनि में ये जाए ये दुनिया के लिहाज से आगे जाए और वो बच्चा जो कि अल्लाह ताला की तरफ से बहुत स्पेशल है बहुत ख़ास है तो उसके ऊपर हम कहते हैं कि ये बस हाफ़िज़ कुरान हमारा बच्चा एक जो है वो हाफ़िज़ कुरान बन गया हमारा किताब के साथ अमल क्या है इस किताब को हमने इतना लाइट लिया हुआ है कि नहीं ये कोई आम सी किताब है जो अल्लाह तला ने हमें दे दी है कभी हम सोचें तो सही हम कर क्या रहे हैं हम कुरान को बस हफ्ते में एक दिन पढ़ना ही काफ़ी कर लिया हमने क्या बाकी काम बस हफ्ते में हम एक ही दिन करते हैं खाना क्या हम एक ही दिन खाते हैं रूह की गज़ा बस हफ्ते में सिर्फ एक दिन हमारी रूह भी तो भूखी होती है हमने क्या कह दिया कि हमारी रूह को आजकल तो होता है कि नहीं जी मौसीकी रूह रूह की गज़ा है मौसीकी रूह की गजा कभी हो ही नहीं सकती मौसीकी तो रूह को तबाह कर देती है तबाह बर्बाद कर देती है ये आग है आग और हम कहते हैं कि नहीं बल्कि जो रूह की खसूसी गजा है हमने उसे उससे दूर कर रखा है वैसे हम अपने पेट को फुल करते हैं इतने इतने हमारे पेट निकल आते हैं खा 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 के लेकिन हम क्या कहते हैं कि नहीं हमारी रूह को किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं यहाँ सिर्फ क्या हुआ कि साल में एक दफ़ा कुछ आ, इबादतें कर लीं महीने में कर लीं दिनों में कर ली हमारे लिए अमल की बात क्या है कि आ जाएं और जुड़ जाएं क़ुरान के साथ इसके साथ वक्त लगाएं हम इलम और माल के लिए बाग बाग कर जाते हैं लेकिन जो चीज़ इंसान को इज्जत देती है जो हमारे लिए बायात सौलहत बनती है उस पर नज़र रखनी पड़ेगी हमें आप घंटा मेकअप करें लेकिन सबक ना आता होगा तो कैसा लगेगा हुँ? पूरा घंटा लगा के आप जो हैं मेकअप करते रहे करते रहे करते रहे लेकिन जब कुरान की बात आई तो हम अंधे गूंगे बन गए अंदर से हम कितने काले हैं कितने बदसूरत हैं कभी गौर तो करें ताले जो होते हैं ना तो याद रखें ताल बड़े सादा सादा होते हैं वो सादे अच्छे लगते हैं अपने इलम पर फोकस्ड होते हैं वो हमारी एक एक, एक बात अल्लाह ताला के पास रिकॉर्ड हो रही है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु सल वसलम की हदीस का खुलासा है एक वक्त आएगा जब इस्लाम सिर्फ नाम का रह जाएगा और क़ुरान महज रस्म व तलावत रह जाएगा आज भी हम देखें इस्लाम में सिर्फ नाम के मुसलमान रह जाएंगे आज यही हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं इसके लिए आईना ही काफ़ी है अपने आप को देख लें ज़ाहरी तज़ीम इतनी ज़रूरी कर दी हमने कि लोग इस किताब के पास आने से डरते हैं कि बेहरमती ना हो जाए मैंने खुद लोगों को देखा कि घर में क़ुरान पाक नहीं रखते सीडी नहीं रखते कोई क़ुरान की कोई मोबाइल में ऐसी चीज़ें नहीं रखते कि कहीं हमें पढ़नी ना पड़ जाए तो क्या होगा दुगना गुना होगा हमारा तो वो हाल है कि इल्म की महफिल में अगर कोई ऊंची जगह बैठकर पढ़ ले तो कहते हैं इज़्ज़त नहीं करते दुआ है कि अल्लाह सुखाना व तआला हमें कुरान की कुरान से मोहब्बत करने वाला और इल्म से मोहब्बत करने वाला और इस पर अमल करने वाला तमाम हमारे प्यारे सिस्टर्स जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें कमेंट बॉक्स में जाकर हमें अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें उससे क्या होता है कि हमारे पीछे जितनी भी टीम होती है उसको बहुत खुशी होती है काम करने में आसानी होती है और इससे हम खुद भी मोटिवेट होते हैं काम को लेके चीज़ों को लेके, अल्लाह तला सबको जजाख़ैरत फिर फरमाए आमीन